विंटर्स आते ही हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो है डैंड्रफ। यस, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर हों हम बड़े, लेकिन डैंड्रफ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम बहुत तरह के शैम्पू, कंडीशनर्स, ऑयलिंग हर कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन डैंड्रफ है कि जाने का नाम नहीं लेता। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी होम रेमेडीज, वो भी एक नहीं बल्कि पांच पांच। यस, इनमें से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, 100% रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा और आपकी हेयर ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा। ये मेरा चैलेंज है। तो कौन कौन मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, फटाफट से वीडियो के स्टार्टिंग में ही कमेंट बॉक्स में डन लिख दो विद योर नेम एंड योर सिटी नेम। प्यारी सी स्माइल के साथ वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना और शेयर भर भर के कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। दोस्तों, जब आपके कंधों पर डैंड्रफ गिरता है तो एक बहुत ही खराब सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, शर्मिंदगी होती है हमें और स्कैल्प में इरिटेशन होती है, डिस्कम्फर्ट भी फील होता है ना। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं जिसका नाम हर किसी ने सुना है, वो है मेथी दाना। यस, मेथी दाना आपके बालों के लिए वरदान है। ये मेरा चैलेंज है आज से लगातार एक महीना, मेरे कहने पर मेथी दाने का इस्तेमाल करके देखें, यानी फेनुग्री सीड्स। ये आपकी सारी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करेगा, ये ना सिर्फ डैंड्रफ को दूर करेगा बल्कि हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा फास्ट करता है। आपके बालों की जो जहाँ से अगर आप गंजे बन के शिकार हो रहे हैं या आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, उसको भी स्टॉप करता है। आप जहाँ जहाँ से आपके बाल उड़ते जा रहे हैं वहाँ पे आपकी न्यू हेयर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली जो डैंड्रफ होता है ना, एक फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो जो मेथी दाना होता है उसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो की इस फंगस को खत्म करती है, ठीक है, उसको मारने का काम करती है। मेथी क्या करता है, आपके स्किन को मॉइस्चर भी देता है, आपके स्कैल्प को, उसके पीएच लेवल को मेंटेन करता है। आपने एक ग्लास पानी में 2 चम्मच मेथी दाना भिगा देना है और पानी के साथ ही आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को डायरेक्टली आपने अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, ठीक है, और आपने आधे घंटे के लिए मैक्सिमम 1 आवर के लिए एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार आप ऐसा करें, लगातार 1 महीने के लिए करके देखें, आपका डैंड्रफ बिल्कुल सफा चट हो जाएगा, लगेगा कभी था ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ जो बहुत ही ज्यादा इजी है, और दूसरी रेमेडी है नारियल का तेल। यस, कोकोनट ऑयल तो हर किसी के घर में होता है, बस वो आपके बालों के लिए जादू है, लेकिन वो सिर्फ अकेले यूजफुल नहीं है बल्कि उसमें हम एक और पावरफुल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है साथ में हमारा जो होता है ना कपूर, जो हम पूजा में यूज करते हैं। यस, उसको आपने 2 टिक्की को अच्छे से कूट लेना है और आपको एक शीशी में उसको अच्छे से मिलाकर रख देना है, शेक कर। बस आपने रात को सोने से पहले अपने बालों में से लगाना है, सुबह अपने बालों को धो लेना है। हफ्ते में 2 बार ऐसा करके देखें, आपके जहाँ भी डैंड्रफ है या जहाँ से बाल आपके उड़ते जा रहे हैं वहाँ पे भी आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, इस वीडियो में बार बार बोल रही हूँ, 100% नोट डाउन करके रख लीजिए, और अगर ऐसा ना हो तो जो मर्जी आके मुझे सुना कर जाइएगा, ठीक है। और जो हमारी रेमेडी है वो है एप्पल साइडर विनेगर। यस, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बालों के डैंड्रफ को दूर करने के लिए। आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को रिस्टोर करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, ठीक है। जो हमारी सर की जो स्कैल्प होती है ना, उसका जो पीएच लेवल होता है ना, वो स्लाइटली सा एसिडिक होता है, लेकिन जब उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो वो एल्कलाइन हो जाता है, तो कुछ दिक्कत आने लगती है, डैंड्रफ पैदा हो जाता है, फंगस हमारी बेसिकली ग्रो होने लगता है। तो ऐसे में जब आप एप्पल साइडर विनेगर लगाते हैं तो उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो कि उस ग्रोथ को, यानी जो आपका फंगस है उसकी ओवर ग्रोथ जो हो रही है आपके स्कैल्प में, उसको रोकती है, पीएच लेवल को मेंटेन रखती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, लगाना कैसे, वो ध्यान से सुन लीजिए। आपने एक बॉटल लेनी है या शीशी ले लीजिए, उसमें आपने हाफ उसको भर लेना है पानी से, हाफ आपने उसमें डालना है एसीवी यानी एप्पल साइडर विनेगर, दोनों की क्वांटिटी जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, 10 से 15 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। अगर आपको फिर भी थोड़ी सी स्मेल फील हो रही है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, शैम्पू लगा सकते हैं और कंडीशनर लगा के अपने बालों को धो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेमेडी है वो है लेमन। यस, आपने नारियल तेल लेना है और उसमें थोड़ा सा नींबू का जूस ऐड करना है। नींबू का रस आपके बालों की फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, लेकिन डायरेक्टली वो आपके स्कैल्प को नुकसान करता है, इसलिए उसको हम डाइल्यूट फॉर्म में लगाएंगे, यानी कि नारियल तेल के साथ मिक्स करके लगाएंगे, जो कि आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है और उस फंगल इन्फेक्शन को काटता है, उसको बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, हाफ एन आवर के लिए लगाना है, उसके बाद आपने नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर कर लेना है। इस चीज का ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये सारे जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ रेमेडीज, ये फंगल इन्फेक्शन को बेसिकली कट करेगा, आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा, और जहां आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा वीक हो गई है, बाल बहुत कमजोर हो गया है, बहुत ज्यादा झड़ रहा है, तो वहां पे बाल आना भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं रेमेडी, वो है दही, खट्टा दही। आपने दही लेना है कटोरी में और रात भर उसको बाहर छोड़ देना है 24 आवर्स के लिए, ठीक है। 24 आवर्स बाद आपने उस खट्टे दही को अपने बालों में लगाना है। बेसिकली ये आपके डैंड्रफ को खत्म करता है, उसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो खट्टा होने पर और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपके फंगल इन्फेक्शन है उसको ये कट करते हैं, उसको ग्रो होने से रोकते हैं और आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लींस करते हैं, जो भी इसमें गंदगी फंसी
होती है उसका जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपका स्कैल्प अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा और जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो मर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सर एकदम साफ हो जाएगा, डैंड्रफ फ्री हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको हफ्ते में 2 बार यूज करना है। आप जो भी मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ उनमें से आप कोई भी रेमेडी हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं, तो आपकी डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके साथ आपने क्या करना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है, हेल्दी डाइट इनटेक करनी है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। जब भी आप धूल मिट्टी में जा रहे हैं तो अपने बालों को कवर करके जाएं और ऑयलिंग मस्ट है। जब आपका डैंड्रफ खत्म भी हो जाए तो हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग लाइफ लॉन्ग करें, जिससे कि आपके स्कैल्प को पोषण मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब हम अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका पीएच लेवल मेंटेन रहता है और सारी गंदगी साफ हो जाती है, ठीक है। हमेशा हर्बल शैम्पू यूज करें, बहुत ज्यादा जो पार्लर्स में आपको रिकमेंड करते हैं ट्रीटमेंट के बाद वो सब यूज करना बंद कर दें, क्योंकि वो एक मेन रीजन है आपके हेयर फॉल का, फंगल इन्फेक्शन का, ठीक है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहे। गुड लक।